धन धन सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी महाराज 661 अंग ते अनासरी राग दे पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। इस पावन शब्द की उत्थान का इस प्रकार है, जदों सतगुरु महाराज संसार दे विच सिखी दे प्रचार नूं करदिया होया जिला मिंटगुमरी जो इस वक्त पाकिस्तान दे विच है, मिंटगुमरी दे शहर सतकरा दे विच भारी एक शाहूकार ते शाहूकार नहीं रहिंदे, उन्हां दा उधार करके अगे जदों इसे जिले के पिंड दी पालपुर विच रात नूं पहुंचे है तां महाराज नूं बैठण वास्ते कोई थां ना देवे जिथे जा के सज जाण, बहुत ऐसी मंदी मत वाले बंदे उत्थों उठा देण। करोड़ां ब्रह्मंडां नूं रचण वाले खिन मह नीच कीट कौ राज बख्शण वाले सतगुरु जी कौतक वरताउण वास्ते चुप करके सारा कुछ सहार गए। सो इस प्रकार महाराज उत्थों चल पए नगर तों बाहर बाहर खेतां दे एक कुली देख के, चलो भाई मरदानिया उत्थे चलदे आ। इस प्रकार जाके देखदे एक कोड़ी फकीर कुष्ठ तो भाव कोड़ी कोड़ दे नाल बड़ा दुखी हो के विरलाप कर रहा सी। सो यह साखी महाराज सच्चे पातशाह दी सूझ प्रकाश गुरु नानक प्रकाश दे उतार अध्याय विच 25 भी आउंदी है। उतो कुष्ठ युत एक फकीरा निसबासर बहु पावत पीरा देख दया निद करुणा आई चुंगी टिक बैठे जग साई। सो कोड़ी फकीर ने जदों धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दया दे समुंदर सतगुरु दे पवित्र दर्शन किए तां कोड़ दा जिहड़ा दुख सी इहदे करके उह रो रहा सी, उच्ची उच्ची विरलाप कर रहा सी। दर्शन करदिआं सार मन नूं शांति मिली। सो जिन्ना चिर चानण रहा सूरज छिपण तों पहलां उन्ना चिर दर्शन करदिआं मन नूं बड़ा टिकाओ शांति मिली। अनेरा होण करके फिर दर्शन होण हटे विरलाप करन लग पिआ। फकीर ने बेनती की बहुत लम्मा पै के निम्रता नाल, कहे फकीर बंद कर दो मोर समीप न आवत को। दोवें हाथ जोड़ के कहन लग्या, हे महाराज मैं एडा कोड़ा, मेरे कोई भी नहीं आउंदा है। खग भागै पित गिनती किया नर, तुम आए मोह पर करुणा कर। मेरे को पशु पंछी भी परे नूं भजदे ने घिरना करके, बंदियां दी तां की गिनती करां। आप जी ने हुण कृपा की, आप मेरे पास आए हो। उहदी बेनती सुन के गुरु गरीब नवास सच्चे पातशाह दया दे समुंदर करुणा निध सच्चे पातशाह करुणालय है हर कालिया है। कहन लगे मरदानिया रबाब बजा। बाणी आई है मरदाने भाई ने उस वक्त रबाब बजाई तां महाराज जी ने उस वक्त पावन शब्द उच्चारण करके कोड़ी का कोड़ दूर किया है। ये रोग क्यों लगते ने, कोड़ क्यों हो जाते ने, सतगुरु महाराज फरमाते हैं। धनासरी महला पहला, धनासरी राग पहले पातशाह महाराज फरमाते ने, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। सो जिमें इस कोड़ी का जीवात्मा भाई बारंबार तपदा ना, तो तप तप के बहुत वकारा करके खप रहा है, क्योंकि वह वकारी सी शाहूकारा का लड़का सी। पहला कला कला माड़ी कुसंगत होगी, घरे बेसवावान का नचना, लोगों का आना, शराबा पीनिया, मां बाप मर गए, जमीन बेगी, हौली हौली विकारा करके खोड़ हो गया शरीर। तो पिंड वाले ने जो कि इसे करके बाहर छड्डिया। जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। इस तरह हुंदा महाराज फरमाते, जय हुंदा जय तन, जिस मनुख दे कहिंदे तन हुंदा मन विच्चों नाम बाणी उपदेश बाणी गुरु की बाणी विसर जाती है, वह जीव पक्का रोगी ही हुंदा। कोड़ रोग होना, एड्स दे रोगी जिवें अज कल हुंदे उही चीज सी, कोड़ी दी न्याई विरलाप करदा है। सो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहिंदे जय तन बाणी विसर जाए। परमेश्वर की जदों बाणी भुल जाती भाई, जदों परमेश्वर भुल जाता उहदा नाम बोलना भुल जाता, उदों जीव नूं पक्के रोग होने शुरू हो जाते ने। यह नाम करके ही शांत पाई गुर सतगुर पूरे महाराज जिवें बचन किया, आदि व्याधि उपाधि तो आपां बचदे हां। बहुता बोलण चखण होए बिन बोले, जाने सब सोए रहाओ। सिमरन तो बिना जो बहुत ज्यादा बचन बोलने ने, इधरले उधरले चखा ही मारनिया, उहदा कोई फायदा नहीं। फजूल एवें बोली जाना, क्योंकि सोए तो भाव परमेश्वर तां बिना बोले ही सब गल्लां जाणदा,
जिन कन कीते अखी नाक जिन जिहवा दित्ती बोले तात। सो जिस वाहिगुरु ने जीव नूं कन अखां नक सारे इंद्रे बना के दिते है, सो इस प्रकार फिर जी ने तात हुंदा प्यारे बचन बोलन वास्ते, ताड़ ताड़ बचन बोलन वास्ते ये जीव नूं जीभ ला दित्ती है मूँह दे विच। जिन मन राख्या अग्नि पाए वाजै पवन आखै सब जाए। 662 अंग ते फरमाउंदे ने जी ने मन तो भाव जीव नूं माता दी जठर अग्नि पास रख्या, जठर अग्नि विच पा के रख्या कीती है जी ने। जिस वेले प्रसूता पाउण दे कारण, सो प्रसूत करन वाली पाउण वाजै तो भाव चलदी है, तां सब कोई जाए तो भाव कहिंदे जन्म पिया बालक जन्म पिया। जिस दे अख है भाव हुक्म विच पाउण, सब जगह दे उपर वाजै तो भाव चल रही परमेश्वर दे हुक्म दे अनुसार। जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालख दागा दाग। जिन्ना क मोह विच फस के स्वादा नाले बंदा प्रीति करदा है, ये सब कालख रूप ही है। सो इस दाग करके यह जीव दागी हो रहा है। कालिया करन वाली जो पाप रूप किरिया है उदे करके दाग करके दागी हो रहा है। दाग दोष मोह चलिया लाए, दरग है बैसण नाही जाए। कहने जा यह दोष होंगे जेडे पापा रूपी दाग नूं मूँह उत्ते ला के चलिया, तो दरगाह दे विच बैठण दी जाए तो भाव जगह नहीं प्राप्त करता। कर्म मिले आखण तेरा नाओ, जित लग तरना होर नहीं थाओ। सो गुरां दा जे कर्म हो जाए जीव दे उत्ते, विशेष कृपा अनुग्रह हो जाए, कर्म तो भाव अनुग्रह हुंदी विशेष कृपा मिले, तां इस प्रकार उस वाहिगुरु दे नाम दा आखणा हुंदा है। सो जिस नाम दे नाल लग के जीव दा तरना हुंदा, जित लग तरना होर नहीं थाओ, नाम तो बिना तरन दा होर कोई थां नहीं है। जे को डूबै फिर होवै सार, नानक साचा सरबदा तार। जेड़ा कोई नाम सरोवर विच टुपकियां मारदा है, जेड़ा कोई कहिंदे निम्रता नाल अपने आप नूं डुब्बिया मंनदा है, उहदी फिर सार संभाल हुंदी है। महाराज जी कथन करदे उह सच्चा वाहिगुरु सारिआं दा ही दाता है। सो सतगुरु जी दी पवित्र रसना तों इह शब्द दा अमृत रूप कीर्तन सुणदिआं सार कोहड़ी दा कोहड़ रोग मिट गया। महाराज गुरु नानक साहब की दृष्टि ऐसी है जिधर नूं दृष्टि कर दित्ती तां पापियां नूं तार ते दिंदे मुरदा तार दित्ता सी, जिवें एक बार सिख तक लैण वास कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख विदारियो। शांति की प्राप्ति हो गई, बुद्धि उज्जल हो गई, चित एकांत हो एकाग्र हो गया। सो मन दे अंदर प्रेमा भगती जाग पई ते उन्हों फिर पता लग्या ये गुरु नानक देव जी है। फिर उच्ची उच्ची धन गुरु नानक की मिठी धुनी उचारन लग पिया, बहुत आनंदित होया। महाराज फरमाते जे को डूबै फिर होवै सार, जिवें कोई बंदा पानी च प्रतख डुबदा होवे रौला पावे फिर उहदी लोग सार संभाल करदे बाहर कढ लैंदे आ। जे कोई डुबदा होवे कहिंदे उच्ची उच्ची बांह कढ के उह कूक मारे भी बचाओ बचाओ। इस प्रकार जे कोई विषय विकारां च डुबदा होवे, कोई माड़े पासे जांदा कहे भी मेरे बस च नहीं, ये गुरां दे अगे हाथ जोड़ के बेनती करे तां सतगुरु बचा लैंदे ने। अनासरी महला पहला, चोर सलाहे चीत न भीजै, जे बदी करे तां तसु न छीजै। सो जे चोर राजे दी शलाघा करे तां राजे दा चित चोर दे उत्ते भिजदा नहीं, प्रसन्न नहीं हुंदा। जे चोर राजे दी बदी बदनामी करे तां उहदा तसु भर भी सूत भर भी पदार्थ या जस न छीजै, भाव नाश नहीं हुंदा। इसे तरह मंद कर्मां दे करन वालिआं उपर परमेश्वर कदे खुश नहीं हुंदा है। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀ ਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਚੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਮਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਚੋਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਬੂਝੀਐ ਸਚਿਆਰ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ।
हे अन्ने कुत्ते मन सुन, चाहे कोई कूड़ियार झूठा चाहे सच्चा है, वो बोले तो बिना ही बुझिया जाता भी यह बंदा अंदरों चोर है या बंदा यह सच बोलता है। विश्राम दे के फरमाते हैं, चोर सवाल्यो चोर सियाणा, खोटे का मुल एक दुगाणा। प्रतख चोर चाहे सवाल्यो बड़ा सोहना हुंदा, सुंदर स्वरूप ऐ जच पव के बंदा शक नहीं कर सकता भी चोर होगा। चाहे चोर सियाणा भी बहुत होवे, परंत नू खोटे पुरश का मुल एक दुगाणा हुंदा, हथौड़ा पैंदा सिर च, वे सिर दे उत्ते भाव डंडा वजदा। जो नामहीन बंदा उही चोर है, उस खोटे का मुल एक दुगाणा भाव एक टका ही आ, भाव जमना मरना ही आ बस, और उहदे पले है की। जे साथ रखिया दीजै रलाए, जां परखिया खोटा होए जाए। जे कहिंदे खोटा रुपया खरियां विच रख के विच मिला दीए रला दीए, पर जिस वेले परखी दा तां खोटा रुपया खोटा ही हो जांदा। इस तरह जे महात्मा दे नाल बिठा के खोटा रला दीए, पर जिस वेले परखी दा तां खोटा बंदा खोटा ही निकलदा। मैं जानिया वड़हंस है तां मैं किया संग, पहला आपां सुन चुके हैं बचन। जैसा करे सो तैसा पावै, आप बीजे आपे ही खावै। हुण जिहा जिहा कोई कर्म करदा उहो जिहा फल पाउंदा, अपना बीजिया होया आप ही फल खावै, भाव खांदा। जे वडियाईआं आपे खाए, जे ही सुरत ते है राह जाए। जे उह अपणीआं वडियाईआं नूं आप ही खाए तो पव धारे, अपनी उपमा आप ही करे, उह कोई वड्डा नहीं बण जांदा। जे अपनियां वड्याईयां आप करे, वह आप ही जम डंडे खांदा। जिहो जिही सुरत भाव ज्ञात हुंदी आ जां वासना हुंदी आ, उहे जे रस्ते उत्ते जांदा। जे सौ कूड़ियां कूड़ कबाड़, भावें सब आखो संसार। जे कूड़ हुंदा झूठा बंदा, कूड़ियां भाव झूठियां, सैकड़े कबाड़ हुंदा गप्पां मारे, भावें सारा संसार उहनूं चंगा आखदा होवे, पर उह प्रवान नहीं परमेश्वर दे दर ते। तुद भावै अधी प्रवान, नानक जाणै जान सुजान। सो इस प्रकार महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे, हे प्रभु, जे कहिंदे मनुख दी अधी किरिया कीती होई भी आप जी नूं भा जावे, उह प्रमाण नहीं। कहे जिवें करमा बाई भगतनी इशनान कीते तो बगैर ही खिचड़ी चाढ़ के भगवान नूं खाउंदी सी, ते धन्ना जट गोहे दा धूप दिखाउंदा रहा, पर भगवान ने प्रवान कर लिया। सो आप जी नूं भा जावे तां अधी भाव जिहड़ी बुद्धि है ना आ रहत, मूर्ख जीव भी प्रवान है, वो जीव जिहड़ा बुद्धि तो रहत भी प्रवान है। सो इस प्रकार अंतरी भाव च जां दूसरे कटाक्ष दे अर्थां च हुंदे ने महाराज कथन करदे, वो जाणी जाण परमात्मा बड़ा सियाणा है, जानने योग नूं जाणे तां सजाण चतर हुंदा। अधी भाव बुद्धि, धी तो भाव बुद्धि, आ तो भाव रहत। इस प्रकार यह अर्थ विद्वाना दे बनाए हुए ने, तो भाव पहला ही लैना, अर्थ तुद भाव है अधी प्रमाण। जे चंगी भावना नाल भी कोई सेवा कीती होवे, भावें थोड़ी हुई होवे, वाहिगुरु नूं दो पैसे रख के छेवें पातशाह तो मुक्ति लै ली सिख ने। माता ने दो परौंठे खवा के सतवें पातशाह तो कृपा लै ली सी। अनासरी महला पहला, काया कागद मन परवाणा, सिर के लेख न पढ़ै आणा। काल रूप पानी की बूंद नाल काया जिहड़ी है ना कागज वांगू नास हो जवान वाली है भाई, पर मन ने इहनू प्रवाणा भाव सच्चा करके मन्निया होया। वेदां शास्त्रां विच जो सिर हुंदा श्रोमणी लेख नाम दे हन, सो इह अज्ञात जीव उहनां नूं नहीं पढ़दा। सो सिर के लेख ना पढ़े आणा, इसे प्रकार काया तां कागज है, इहदे उपर मन यतना रूप परवाने दे लिखण वाला हो रहा है। सो जीव सिर दे लेखां नूं नहीं पढ़दा, परालब्ध उपर शक करनी रहिंदा, हुक्म रजाई चलना। नानक लिखिया नाल नाल जिहड़ा मत्थे उत्ते लिखिया होया, बस उस नूं इह देखदा नहीं कि मेरे मत्थे दे उत्ते चीज लिखी होई है। दरगह घड़ीऐ तीने लेख, खोटा काम न आवै वेख। सो जिवें राजयां दी दरगाह विच तीन लेख भाव सिक्के घड़े जांदे ने, सोने दियां मोहरां, चांदी दे रुपये, तांबे दे पैसे, इवें परमेश्वर की दरगाह विच तीन लेखां दे पुरश घड़े जांदे ने, राजसी, सांतकी ते तामसी। सो सतसंग दरगाह विच तीन लेख घड़े जांदे ने, कर्म, उपासना ते ज्ञान, श्रवण, मनन ते निध्यासन। ए एक हुंदा तत्,
तो त्वंग मसी इस प्रकार संसार दरगाह विच संसारी जीवां दे तारन वास्ते परमेश्वर ने तीन तरह के पुरश घड़े आ काजी ब्राह्मण योगी सो जिहदा वेख भा भेख खोटा वह किसी काम नहीं आता नानक जे विच रूपा होए खरा खरा आखै सब कोए रहाओ। महाराज कथन करदे जे रुपये विच पूरी पूरी रूपा भाव चांदी होवे तां उह रुपये नूं सब कोई चंगा चंगा कहिंदा। सतगुरु फरमाउंदे आ जे शरीर विचों मन सफाई रूपी रूपा भाव रूप वाला होवे मन दी सफाई रूपी रूप वाला होवे जे विचों मन रूपा भाव चांदी वांगू शुद्ध होवे चिट्टा जे मन नूं परमेश्वर विच रूपा भाव आरोपने वाला होवे तां सब कोई इहनूं चंगा चंगा करके आखदा विश्राम दे के फरमाउंदे ने। पर दुनिया के हालात दसद्या फरमाते हैं कादी कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नहावै जिया काए। कादी जिहड़ा काजी है वह झूठ बोलने रूपी मैल नूं खा रहा काजी झूठ बोलता तो वड्डियां रूप मल गंदगी नूं खा रहा ब्राह्मण नहावै इशनान करता होया जिया काए मच्छियां मारी जाता उत्थे। सो इस प्रकार सो जल तोरी कह के ही खा जाते ने उन्हूं जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंध। सो जेड़ा अन्ना जोग भी अग्ञान नूं दूर करन दी जुगती नहीं जानता जोगी अन्ना होया होया परमेश्वर विच जुगत तो भाव जुड़ना नहीं जानता ये काजी ब्राह्मण ते जोगी तिने संसार दे तारन वास्ते परमेश्वर ने रचे सी पर तिने उजाड़न दा बंध तो भाव कारण बन गए आप ही। सो फिर किसी ने पूछिया कि आप दे सो विचार अनुसार कहरे श्रेष्ठ महाराज कौन तारेगा विश्राम दे के इस प्रकार। सो सतगुरु महाराज इहदा उत्तर दिंदे हन सो जोगी जो जुगत पछाणै गुर प्रसादी एको जाणै। महाराज कहने योगी चंगे भी हुंदे आ जिहड़ा मैं गल कीती कहने जिहड़ा रोटियां खाणे नहीं योगी हुंदे कहने असल योगी उही आ जो वाहिगुरु च जुड़न की जुगती नूं पछाणदा फिर गुरां की कृपा नाल एक परमेशर नूं जाणदा। काजी सो जो उल्टी करै गुरप्रसादी जीवित मरै। तो असल काजी वह है जो संसार वालों बुद्धि नूं उल्टी करदा भाव पुठी करदा ते गुरां दी कृपा नाल जीवित भाव तो मरदा। ब्राह्मण कौन है जी कहने सो ब्राह्मण जो ब्रह्म भी चारै आप तरै सगले कुल तारै। असल ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म का विचार करता विचार द्वारा आप तरदा ते कुलां दे सारिआं जीवां नूं तारदा। फिर इस प्रकार स्पष्ट करदे बचन दान संबंध सोई दिल धोवै मुसलमान सोई मल खोवै। दान संबंध इकट्ठा ही करना है दान संबंध थोड़ा जिहा डैश दे के कहिंदे दनाई वाला उही योगी है जो दिल दी पापां रूप मैल नूं धोंदा मुसलमान काजी उही जो मांस खाने रूप ते शराब पीने रूप मल नूं जां विकारां रूपी मैल नूं खोवै भाव दूर करे ये चीज़ां नहीं चंगियां खाणियां उहदे वास्ते। पढ़िया बूझै सो प्रवान जिस सिर दरगह का निशान। शास्त्रा नूं पढ़िया होया उही ब्राह्मण प्रवान है जो अपने स्वरूप नूं समझ लैंदा अंदरों अपने अंदरली जोत नूं जाण लैंदा। सो परमेश्वर नूं बुझ के प्रमाणनीक होया अते जिहदे सिर उपर दरगाह का श्रेष्ठ निशान हुंदा लेख है जिहदे वड्डे भाग है उही असली ब्राह्मण है भाई। तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। धनासरी रागणी दे विच पहले पातशाह महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने कर तीसरा सुतार च गाउण दा हुक्म कीता एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ओंकार केवल इको एक है सतगुर दी प्रसाद कृपा द्वारा प्राप्ति हुंदी है। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे हन कलयुग दी रीति काल नाहीं जोग नाहीं नाहीं सत का ढब। ये ढब करके नहीं बोलना ढब पोला जी सतयुग ना होण करके सच बोलण दा समा ही नहीं होण त्रेते युग दे ना होण करके योगा अभ्यास दा समा नहीं काल ना ही योग ना ही सत का ढब। द्वापर युग ना होण करके तप करन दा भी कोई ढब हुंदा सबब नहीं ता नष्ट जग भ्रिष्ट होए डूबता एव जग। आपो अपने इष्ट स्थाना वालों सारा संसार भ्रिष्ट हो रहा बहुत सारा नास्तक होना वध रहा संसार च इस तरह जिहड़ा संसार है जगत है डुब रहा। सो कलयुग दे विच महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने सारिआं नालों श्रोमणी की है कल मैं राम नाम सार। भाई कलयुग दे विच राम नाम जपना ही श्रेष्ठ है बस वाहिगुरु वाहिगुरु करो राम राम जपो सारे
इस प्रकार आपो अपने मत के मुताबिक जिन्हों जो गुरमंत्र मिलया जेड़े जेड़े धर्मां वालियां नूं अखी ता मीटा है नाक पकड़ है ठगण कौ संसार रहाओ। सो पखंडी लोग संसार नूं ठगण वास्ते अखां मीटदे आ ते नक नूं फड़दे आ। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो। 663 अंग ते फरमाउंदे ने अंगूठा ते चीची दे नाल दी उंगल इन्हां दोहां नूं आंट कहिंदे ने। सो अंगूठा ते चीची दे नाल दी उंगल इन्हां दोहां नूं आंट कहिंदे ने, अनामका कहिंदे जिहनूं। सो इन्हां दोहां उंगलां नाल ही नक फड़दे आ ते मूहों कहिंदे सानूं तिन्नां लोकां दी सूझ ते भाव ज्ञात हो रही है, बस सानू सब कुछ दिख रहा, बस इस तरह करके समाधि ला के बैठे रहिंदे आ। मगर पाछै कछ ना सूझै इहो पद्म अलोआ। पर मगर पिठ पिछे जो धन दबिया होया जां ठाकुरां दी प्रियंकी पई हुई उह कुछ निगाह नहीं आउंदी। सो ये पद्म बड़ा अलो तो भाव अश्चर्ज है, पद्म तो भाव हुंदा बड़ा। सो नील की गिणती का नाम पद्म है, इस तो भाव बहुता लिया जाता बस। सो ये पद्म तो भाव बचन हुंदा अलो हुंदा अलौकिक है। हिरदे पद्म भाव कौल विच प्रभु अलो है, उहदा लो प्रकाश नहीं है, फिर प्रतख करना पैंदा बंदगी करके। तो इस प्रकार महाराज सच्चे पातशाह संसार की हालत कथन करते ने। खत्रिया ता धर्म छोड़िया मलेश पाख्या गए। खत्रिया ने अपना धर्म छड्ड दिता भाई, और मलेशिया की पाख्या जी बोली सी फारसी आदि गही ग्रहण कर ली। उन्हां समय की गल करते गुरु नानक साहब जदों सी तुरकां दा राज सी, जदों श्रेष्ठ सब एक वर्ण होए धर्म की गत रही। सारी जिहड़ी सृष्टि दुनिया एक वर्ण भाव शंकर वर्ण होगी, धर्म की जिहड़ी गत सी मर्यादा तां रह गई भाव दूर ही होगी। अष्ट साज साज पुराण शुद्ध है करह वेद अभ्यास। ऋषियां ने जो अष्ट साज भाव अठ व्याकरण रचे सी, ते व्यास जी ने जो पुराण साजे सी, चाहे इन्हां नूं भी शुद्ध है भाव विचार लो सारे जाने। साज हुंदा दस ते अष्ट हुंदा 18 जो पुराण साजे होए सन, चाहे उन्हां नूं शुद्ध ना करो विचार लो। अठ व्याकरण साज हुंदा दस ते 6 शास्त्र 4 वेद जो साजे हुए, चाहे इन्हां नूं भी शुद्ध लो विचार लो। सारे वेदां दा अभ्यास करके देख लो चंगी तरां, बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दासा भाव जनाउंदिआं कहिंदे तां भी हरी दे नाम जपे तो बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हुंदी। सो इह गल हरी दे दास महात्मा भी कथन करदे आ, मुक्त होण वास्ते तूं हरी दा दास हो जा। कहिंदे दास नानक भी इह वचन करदा भई भाई सारे जाने परमेश्वर दा नाम जपो। सारिआं धार्मिक ग्रंथां नूं सोध सोध के चंगी तरह देखिआ होइआ, नाम जपे तो बिना जिहड़ा जीव है इस बंदे दी ना कल्याण नहीं हुंदी। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।